नामीबिया को आखिरी ओवर में 14 रन की जरूरत होती है। मैदान पर सबसे अनुभवी खिलाड़ी डेविड वीजा और ट्रम्पल मैन मौजूद रहते हैं। वहीं यूएई की तरफ से आखिरी ओवर लेके आते हैं मोहम्मद वसीम। और यकीन मानिए दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। ये ओवर की पहली गेंद वसीम डालते हैं, जहां डेविड वीजा शॉर्ट तो खेलते हैं लेकिन केवल 2 रन ही आ पाता है। और अब यहां से 5 बॉल में 12 रन की जरूरत होती है। अगली गेंद पर भी डेविड वीजा बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं और केवल 1 रन ही आ पाता है। इसका मतलब था कि अब 4 बॉल में 11 रन की जरूरत होती है। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट नहीं आ पाता है और नामीबिया के फैंस नाराज होते हैं, क्योंकि ट्रम्पल मैन केवल 1 रन ही बना पाते हैं। और अब यहां से 3 बॉल में 10 रन की जरूरत होती है। स्ट्राइक पर होते हैं डेविड वीजा, उनसे बड़े शॉट की उम्मीद होती है लेकिन बड़ा शॉट तो खेलते हैं लेकिन बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो जाते हैं और यहां से आधी उम्मीदें समाप्त हो जाती है नामीबियन टीम की, क्योंकि जो हिटिंग कर रहा था बल्लेबाज डेविड वीजा वो पवेलियन लौट चुका था और अब 2 बॉलों में 10 रन की जरूरत होती है। ओवर की 5वीं गेंद पर आए नए बल्लेबाज बड़ा शॉट तो खेलते हैं लेकिन केवल 1 रन ही आ पाता है और ये 1 रन के साथ लगभग यूएई ये मुकाबला जीत चुका था, क्योंकि मुकाबला आखिरी गेंद पर चले जाता है जहां 9 रन की जरूरत होती है और आखिरी गेंद पर केवल 1 रन ही आ पाता है। इसका मतलब था कि 7 रन से यूएई इस T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीत चुकी है।